राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के रिज मैदान पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की अर्पित। राज्यपाल ने कहा, महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग अपनाकर देश को दिलाई आजादी। समादेशक द्वितीय भारतीय आरक्षित वाहिनी सकोहकी भट्ट रेंज के तहत 2 फरवरी से 4 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पुलिस जवानों की ओर से किया जाएगा वार्षिक फायरिंग अभ्यास। लोगों से फायरिंग रेंज में न जाने का किया गया अनुरोध। मंडी जिला में पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पड़े पदों पर 25 फरवरी को होंगे चुनाव। बदवाड़ा में प्रधान और बनाल में उप प्रधान सहित 18 वार्ड सदस्यों के लिए होगा चुनाव। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए जेबीटी के 32 पदों और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के एक पद को बैच आधार पर भरने के लिए नर्सरी मिडिल स्कूल धर्मशाला में 8-9 फरवरी को होगी काउंसलिंग। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा मोहिंदर कुमार ने दी जानकारी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में मनाया गया राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों व प्रशिक्षु नर्सों को दिलवाई कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाने की शपथ। सोलन नगर निगम के नए यूनिट एरिया मेथड प्रॉपर्टी टैक्स में फ्लैट्स मालिकों को दी राहत। घटाया गया निगम के तहत आने वाले फ्लैट्स का टैक्स, अब 7 के बजाय लगेगा 6% टैक्स। नाहन में पुलिस विभाग ने किया एनकोड की बैठक का आयोजन। उपायुक्त सुमित खिमटा ने कहा, नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए शिक्षण संस्थानों में लगाए जाए जागरूकता शिविर। सड़क सुरक्षा माह के तहत पौंटा साहिब में परिवहन विभाग और रोड सेफ्टी क्लब ने किया यातायात जागरूकता रैली का आयोजन। वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा अधिनियमों के बारे में दी गई जानकारी। दून विधानसभा की ग्राम पंचायत बडलक के बभानीपुर महलोक की सपना राणा ने चमकाया प्रदेश व क्षेत्र का नाम। भारतीय सेना में कर्नल बनी हिमाचल की बेटी। प्रदेश में कल से मौसम का मिजाज बदलने के आसार। मौसम विभाग ने 31 जनवरी से 1 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट किया जारी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 4 फरवरी तक मौसम खराब रहने की संभावना।